नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सर्जन डॉक्टर जनरल जोसेफ ए लाडोपा ने शनिवार को कहा कि mRNA कोविड 19 का टीका लेने से 18 से 39 वर्ष की आयु के पुरुषों हृदय संबंधी जोखिम से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इस तरह राज्य के सर्जन जनरल ने कहा कि वे इसको दिए जाने की सिफारिश नहीं कर सकते, जबकि अब कोरोना के प्रति लोगों में एक स्वाभाविक इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। लाडोपा के कहने पर मौजूदा हालात में वैक्सीन दिए जाने के रिस्क कोरोना संक्रमित से कहीं ज़्यादा गया है। वहीं इस संबंध में जारी एक प्रेस रिलीज में लाडोपा ने कहा कि आज दिन में कोविड 19 mRNA टीकों पर एक विशेषज्ञ जारी किया गया है, जिसके बारे में जनता को जरूरत होने पर आवश्यकता है। इस विशेषज्ञ के अनुसार वैक्सीन के 18 से 39 साल के पुरुषों के हृदय संबंधी मृत्यु का जोखिम बढ़ा दिया गया है। लापाउडो ने कहा कि फ्लोरिडा इस सच्चाई पर चुप नहीं रहेगा। वहीं लाडोपा ने इस आशय का ट्वीट भी किया है।